निकोटिन आपके तबियत के लिए कितना खतरनाक है, अगर आपको इसकी पूरी जानकारी मिले तो आप तंबाकू को कभी मुंह में नहीं डालोगे। मैंने सुनी है बात, गुरुजी जा रहे थे तो गुरुजी ने यह देखा कि एक हरा भरा खेत और उस खेत के बाउंड्री नहीं है, कोई बाड़ नहीं है, तो उनको आश्चर्य हुआ। इतना हरा भरा खेत और कोई बागड़ नहीं, बाउंड्री नहीं, कोई तार नहीं, पशु घुस के इसको खराब कर देंगे, तो इतने में उसी खेत का किसान आ रहा था, है तो इसमें बाढ़ क्यों नहीं, बोले इसको जरूरत ही नहीं, तो है क्या चीज, बोले गुरुजी ये तंबाकू है, तंबाकू इसको गधा भी नहीं खाता। जय राम जी की, इस चीज को गधा नहीं खाता, गाय भैंस की तो बात छोड़ो। गुरुजी बोले गधा तो नहीं खाता लेकिन इंसान तो खूब खा रहा। बोले इसलिए तो इसी की मैंने खेती की है, क्योंकि ये खरीदते हैं लोग, दूसरे में इतनी आमदनी नहीं जितनी इसमें है, इसलिए मैंने ये लगाया। बात आई गई हो गई, संयोग से कुछ दिनों में गुरुजी के सामने गधा टकराया। गुरुजी ने अपनी शक्ति से उसको वाणी दी और पूछा कि हे वैशाखी नंदन, मतलब कुम्हार का हाथी, तुम ये तंबाकू क्यों नहीं खाते, ये बताओ। उसने जवाब दिया, बोले भगवान पिछले जन्म में मैं मनुष्य था और तंबाकू खूब खाता था, व्यसन करता था, पूजा पाठ नियम धर्म करता नहीं था, भगवान में संत में सत्संग में मेरी रुचि नहीं थी, मैं उनकी निंदा किया करता था और जो लोग सत्संग में जाते थे उनके ऊपर भी हंसता रहता था कि ये लोग टाइम खराब कर रहे। अज्ञानी था, मूढ़ था, मानव का जन्म तो मुझे मिला लेकिन मैंने दूसरे इधर उधर के कामों में तो खूब समय खराब किया, लेकिन भगवान के लिए मैंने कुछ नहीं किया। न कभी मैं मंदिर जाता, न कभी सत्संग में जाता, मैं शराब भी पीता था और तंबाकू की मुझे लत लग गई। महाराज आपसे क्या छुपाना और क्या झूठ बोलना, उसी का यह परिणाम है कि मैं ये गधे के शरीर में आया। अब अगर इस गधे के शरीर में फिर मैं तंबाकू खाऊं तो पता नहीं मैं और कौन सी नीच योनि में जाऊंगा, इसलिए मैं खाता ही नहीं हूं, ऐसा उसने जवाब दिया। गुरुजी विचार में पड़ गए कि ये चार पैरे वाला गधा, उसके पास इतना दिमाग है कि मुझे तंबाकू नहीं खाना है, और मानव अगर इस गधे की बुद्धि से भी अगर गया बीता हो जाए और तंबाकू खावे तो उसकी बुद्धि का तो दिवाला ही है।